बिजनेस वाली जितनी गाड़ी रुकवाएं जो है धर्म स्थल पे जितना जाता है उनका गाड़ी भिजवाएं साहेब ठीक काम आ जाऊंगा। मामला तक क्या हुआ? छात्रों द्वारा रोड को जाम किया गया था। देवघर कॉलेज में इनके साथ कुछ जातियां हुई थी, उस आलोक में इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। एसडीएम जमुई से बातचीत हुई है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इनके द्वारा जो भी पूर्व में घटित घटनाएं हुई हैं उनको संज्ञान में लेते हुए आगे बातचीत की जाएगी और बातचीत द्वारा इसका हल किया जाएगा ताकि लड़कों का भविष्य बढ़िया रहे और इनको फिर देवघर कॉलेज में परमिशन मिल सके। सारी बातों का हमसे ज्यादा हमको लगता है आधा घंटा ही बात है। अभी एसडीओ साहब का कहना है यहाँ तुम भूकंप भी आ जाएगा, जनी भी हो जाएगा, भूत भी आ जाएगा। ये चूंकि बिहार का है इससे हमको बचा, अगर यही चीज वो वहाँ करोगे तो उसको फर्क पड़ेगा, यहाँ उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आग जला दो, ये जला दो, अल्टीमेटली हम ही के ऊपर आएगा कि आप लोग क्या किए, यही ना बोल रहे तो क्या किए। तो हमको अपने ही लड़कों पर वीडियोग्राफी कराना पड़ेगा, जो हम करेंगे नहीं, प्रयास करेंगे कि ना हो। तो अंतिम जब तक नाक में पानी है तब तक तो हम प्रोटेक्ट करेंगे और अभी भी करेंगे और कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे जो तक हो। सर का ये भी कहना है कि मामला झारखंड का है, अगर वो लोग बायस होकर कुछ कर रहे हैं तो हम लोग उसको समझाएंगे और नहीं होगा तो फिर पिटीशन करेंगे। हम एसडीओ मेरे अंडर में तो वहाँ का है नहीं, हम लोग तुम लोग के साथ लड़ ही सकते हैं। हम लोग मेरा क्षेत्र रहता तब ना हम घुस के मारते हैं, पर हम भी तुम्हारे साथ लड़बे करेंगे, ठीक है? मतलब जैसे तुम लोग लड़ रहे हैं हम लोग भी यही करेंगे। जी आपका देवघर कॉलेज कोई अंतिम कॉलेज भी नहीं है, ये साला देवघर कॉलेज हो गया तो हमारा जीवन ही खराब हो गया। लेकिन जो मिसाइल लागू रहता है सर तो 10% तो अंदर आ रहा है। अरे दूसरा बात को दूसरा उतना लॉ नियम कानून नहीं है। देवघर कॉलेज आपके भविष्य का अंतिम कॉलेज भी नहीं, पर हमको लड़ना है, हारना भी नहीं है, तो उसका प्रोसेस में लड़ेंगे। और उनका कहना है कि हमारे अपने क्षेत्र में ही हम लोग अपने को ये कर रहे हैं, तो हम लोग को तो अपने सपोर्ट खुद करना है, तो अपने क्षेत्र में यही है। हम लोग अपने सर बुलाए हैं, कल आप एकदम जाके पूरा विस्तृत बात कीजिएगा, 1.5 घंटा 2 घंटा हम लोग क्या सर का भी कहना है कि पूरा मैटर हमको समझाइए पहले ऐसे लिखित में और मौखिक में रूप में, तब हम लोग सहयोग में है। अभी देवघर कॉलेज में और सत्संग कॉलेज में हम लोग पढ़ाई करते हैं, बिहार का जितना भी स्टूडेंट है 40 से 50 करीब में हम लोग स्टूडेंट पढ़ते थे वहाँ पे, और प्रशासन के द्वारा हम लोग के ऊपर मारपीट करके भगा दिया के बोला गया, साफ तौर पर बोला गया है कि बिहारी को यहाँ रहने का प्रावधान नहीं है, यहाँ तुम लोग नहीं रह सकता है। प्रशासन मारपीट किया है और सामान तमान भी बाहर से होटल से फेंक दिया गया, जिसमें हम लोग अमित कुमार रंजन इसका हाथ भी टूट गया है और मारपीट भी किया है। हम लोग को एक ही मांग है, हम लोग को होटल चाहिए नहीं तो जेल चाहिए, और वहाँ पर मनमानी कर रहा है। साफ तौर पर डीसी बोल रहे हैं कि हम लोग को ऊपर से पॉलिटिशियन दबाव आ रहा है, तुम लोग को हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। हम लोग को मांगे कि हम लोग हॉस्टल चाहिए नहीं तो जेल चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू दास है। जब हॉस्टल आए तो देखे कि लड़का के साथ मारपीट कर रहा था, जब जबरन खाली करवाया जाता, सामान सब फेंका जा रहा था, एक लड़का खाना भी खा रहा था तो उसको खाना पर से उठा के और थाली को फेंक दिया गया। तब हम देखे तो हम भी विरोध करने लगे कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, गुंडागर्दी आप नहीं कर सकते हैं।
जिसके कारण हमको प्रशासन के द्वारा मारा गया। इसमें मेरा हाथ को देखिए क्रेक हो गया है, यहाँ तक कि टूट ही गया है। मारपीट प्रशासन मारपीट किया, पांच प्रशासन मारपीट किया हमको, मेरा हाथ टूट गया। जिसके बाद हमको गाड़ी पे उठा के लेके थाना में बंद भी किया गया था, जो कि हम 8 से 10 घंटा तक थाना भी काटे हैं। क्या नाम है? अमित कुमार रंजन।